बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे मैक्रोनीज, जिसमें हमने ऑयल पहले ही कढ़ाई में ऊपर रख दिया है चूल्हे के गर्म होना। उसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, तो हम आग थोड़ी तेज कर देंगे इसकी, तो इसको हम थोड़ा सा बस ब्राउन करेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा। वो लहसुन का डाल देंगे और इसमें हम जो चिकन हमने रखा हुआ उसका बोनलेस लेके उसको हमने घर में कीमा बना लिया, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर नमक मिर्च डालेंगे, जो कि हमने पहले इसमें पास कर दी है, 2 चम्मच छोटे नमक के, और उसके अलावा इसमें 2 चम्मच जो है वो मिर्च का डाल सुरख मिर्च। इसमें हम टिक्का मसाला वगैरह नहीं डालेंगे, इसलिए हम सुरख मिर्च इसमें डालेंगे। और हमने सब्ज में खूब बारीक काट के रखी हुई है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भूनते भूनते थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, ताकि कीमा हमारा जो है वो अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि जो सब्जियां हैं हमने वो हमने पहले बॉईल कर ली है, क्योंकि आजकल सीजन आउट है मटर भी और गाजर भी, तो वो हमने पहले हल्के हल्के बॉईल करके रख ली है, अपनी मैक्रोनीज भी हमने बॉईल करके रख ली हुई है, इसलिए हम पहले कीमे को सिर्फ पकाएंगे अच्छी तरह, उनको हम सिर्फ दम पे रखेंगे, फिर अंदर डालते जाएंगे और 5 मिनट के लिए बंद करेंगे। इसको हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक कीमे को, इसे ये अच्छी तरह पकेगा, इसकी खुशबू जो है लगेगी मसाले कीमे की, तो फिर उसको हम इसमें हम सब्जियाँ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम जो सब्जियां हमने ना बॉईल करके रख ली थी, क्योंकि आजकल सीजन की सब्जियां नहीं है इसलिए बॉईल की हैं, ये गाजर है ये हमने बॉईल करके पहले रख ली है, और मटर है इसको भी हमने पहले बॉईल कर लिया, अब इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। और शिमला को हमने बॉईल नहीं किया, वो हमने वैसे ही धो के काट के रख ली हुई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सोया सॉस, चिली सॉस और 1 चम्मच सिरका से, और इसको हम 2-4 मिनट बस हलाएंगे, फिर इसके ऊपर हम मैक्रोनीज डाल के इसको हम दम पे रख देंगे। हाँ जी, अब हमने इसके अंदर जो मैक्रोनीज बॉइल करके रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर डाल दी हैं, तो उसको अब हम मिक्स कर देंगे आपस में, तो फिर इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, क्योंकि हमारी सब्जियां भी बॉईल की हुई हैं सारी, चिकन भी हमारा गला हुआ है सारा, और उसके अलावा हमारी मैक्रोनीज जो है वो भी बॉईल की हुई हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको 5 मिनट जो है दम पे रखेंगे, तो फिर हमारी मैक्रोनीज तैयार हो जाएंगी, फिर हम दोबारा आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी मैक्रोनीज जो है वो तैयार हो चुकी हैं, अब हमने ऊपर से ढक्कन उठाया है तो ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।